इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं, रोग चतुष्क और भेषज चतुष्क को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रोग चतुष्क मतलब वह चतुष्क अर्थात वह चार अध्याय जिनमें रोगों का वर्णन किया गया है, जो कि 16 से 20 तक के अध्याय हैं। भेषज चतुष्क मतलब है वह चार अध्याय जिनमें भेषज अर्थात औषधि का वर्णन किया गया है, जिसमें 1 से 4 तक के अध्याय आते हैं। अब हम पढ़ेंगे योजना चतुष्क। योजना का मतलब होता है कल्पना, युक्ति, उपाय आदि। चतुष्क का मतलब होता है चार। भेषज का मतलब निरोग करना, दवा, औषध, उपचार आदि होता है, अर्थात वह चार अध्याय जिनमें रोग और भेषज संबंधी योजना को बताया गया हो। इसमें 21 से 24 तक के अध्याय आते हैं। इस अध्याय में चिकित्सा की दृष्टि से 8 प्रकार के निंदित पुरुषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि भेषज शरीर आपेक्षी अर्थात निर्भर है। पहला पॉइंट, निंदनीय पुरुष अर्थात अवांछनीय व्यक्ति और निंदा लायक व्यक्ति। 8 निंदनीय शरीर, यहाँ चिकित्सा के विषय में शरीर के अनुसार 8 पुरुष निंदित बताए गए हैं। पहला, अति दीर्घ। चिकित्सा की दृष्टि से यह विशेष रूप से निंदित नहीं है, किंतु लोक दृष्टि से असुंदर होता है। शरीर के अधिक बड़े होने में वायु का महत्व रहता है, इसलिए इसे वातल्य पुरुष भी कहा जाता है। दूसरा, अति हस्व। शरीर के अनुसार यह भी असुंदर होता है। इसके मानसिक तथा शारीरिक केंद्र पूर्ण विकसित नहीं रहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य प्रायः मंदाग्नि से पीड़ित रहते हैं, अतः इसे निंदित माना गया है। तीसरा, अतिलोम। अतिलोम का तात्पर्य बड़े मोटे एवं एक लोम कूप में अनेक रोम के होने से है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अभ्यंग परिसेक करना प्रत्येक के लिए आवश्यक है। रोम के अधिक होने से इन दोनों कार्यों में बाधा होती है, अतः अतिलोम पुरुष निंदित माने गए हैं। चौथा, अलोम। लोम न होना या कम होने पर लोमकूपों की संख्या भी तदानुसार अल्प होती है, अतीव स्वीदादि मल का पूरा निष्कासन न होने से निंदनीय है। पांचवा, अतिकृष्ण। इस प्रकार की व्यक्तियों में मेलानिन पिगमेंट अर्थात प्राकृतिक रंग द्रव्य की अधिकता होती है, अतीव ये निंदनीय है। छठा, अतिगौर। देखने में ये असुंदर होते हैं, इनके शरीर में पित्त की प्रधानता होती है। सदा चिकित्सा करते समय शीत वीर्य औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इन्हें निंदित माना गया है। सातवां और आठवां, अतिकृश और अति स्थूल। ये दोनों चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत निंदित हैं। नोट्स, उपर्युक्त 6 मनुष्य जो रचना के अनुसार निंदित हैं, उस पर आचार्यों ने विशेष विवेचन नहीं किया है। इसका कारण यह है कि चिकित्सा में ये विशेष निंदित नहीं हैं, पर इनकी आकृति देखने में निंदित है। दूसरा पॉइंट, अति स्थूल तथा अतिकृश पुरुष। अतिकृश और अति स्थूल पुरुषों के निंदित होने में विशेष कारण होती है। पहला, अति स्थूल पुरुष की आयु का क्षय शीघ्र होता है। दूसरा, उनके शरीर में किसी भी कार्य के करने का विशेष उत्साह नहीं होता है। तीसरा, मैथ्यून कार्य में कठिनाई आदि। अब हम अति स्थूल पुरुष के दोष, कारण और स्वरूप को जानेंगे। अति स्थूल पुरुष के दोष। पहला, गुरु मधु शीतल स्निग्ध आहार द्रव्यों का सेवन करना, अधिक मात्रा में भूख का लगना। तीसरा, अत्यंत स्थूल मनुष्य में विसर्प प्रमेह आदि रोग हो जाते हैं आदि। अति स्थूल होने के कारण, पहला अति निद्रा, दूसरा दिवा स्वप्न, तीसरा गुरु स्निग्ध आहार का अति सेवन तथा अत्यधिक मद्यपान आदि। अति स्थूल पुरुष के स्वरूप, मेद और मांस धातु के अधिक बढ़ जाने से नितंब, उदर और स्तन्य प्रदेश इतना मोटा हो जाता है और लटक जाता है कि चलते समय हिलते रहते हैं।
इनके अंग प्रत्यंगों की वृद्धि भी उचित रूप से नहीं हो पाती है। अति स्थूलता की चिकित्सा, वायु श्लेष्मा तथा मेद को नष्ट करने वाले अन्य पान का सेवन। दूसरा, बृहत पंचमूल का शहद के साथ प्रयोग। तीसरा, अग्निमंत के रस के साथ शिला जंतु का प्रयोग आदि। अब अतिकृष के बारे में पढ़ेंगे। अतिकृष की परिभाषा, अत्यंत कृष पुरुष का नितंब उदर और ग्रीवा अधिक सूख जाता है तथा अतिकृष पुरुष की संधियां मोटी हो जाती हैं। अतिकृष होने के कारण, पहला उपवास, दूसरा शोक के वशीभूत रहना, तीसरा रुक्ष अन्नपान का सेवन करना, चौथा बहुत दिनों तक रोग का होना आदि। अतिकृष के दोष, अतिकृष मनुष्य व्यायाम को, अधिक भोजन को, अति मैथुन को सहन नहीं कर सकता है। प्रायः अत्यंत कृष मनुष्य के शरीर में प्लीहा वृद्धि, कासा, श्वास आदि रोग हो जाते हैं। अतिकृषिता की चिकित्सा, पहला निद्रा, शांति, चिंता, मैथुन तथा व्यायाम का त्याग। दूसरा, प्रिय वस्तु या अप्रिय दृश्य आदि को देखना। तीसरा, सदा तेल की मालिश आदि। स्थैल्य तथा काशर्य के चिकित्सा सिद्धांत, अत्यंत मोटे व्यक्तियों को कृष बनाने के लिए आहार गुरु देना चाहिए और उसे अपतर्पण कराना इष्ट है। जो व्यक्ति अत्यंत कृष है, उन्हें कृषिता को दूर करने के लिए बृहण के लिए लघु और संतर्पण आहार द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, निद्रा विमर्श, निद्रा की परिभाषा, जब कार्य करते करते मन थक जाता है एवं इंद्रियां भी थकने के कारण अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, तब मनुष्य शयन करता है। निद्रा का काशर्य चिकित्सा में महत्व, किसी भी कार्य के विषय में निश्चिंत रहने एवं परम पौष्टिक द्रव्यों तथा श्लेष्म वर्धक आहार विहार करने तथा अधिक निद्रा लेने से मनुष्य वराह के समान अति स्थूल हो जाता है। निद्रा से लाभ, सुखपूर्वक निद्रा के आ जाने से, पहला शरीर में आरोग्य, दूसरा बल की वृद्धि, तीसरा शुक्र की वृद्धि आदि। अनिद्रा से हानि, पहला कृशता, दूसरा बल की हानि, तीसरा नपुंसकता आदि। उचित निद्रा से लाभ, यदि निद्रा का उचित समय पर सेवन किया जाए तो वह शरीर को सुख अर्थात आरोग्य और आयु से युक्त करती है। निद्रा नाश की चिकित्सा, पहला अभ्यंग, दूसरा नेत्र का तर्पण, तीसरा सर और मुख पर शीतल द्रव्यों का लेप लगाना, चौथा ग्राम्य अनूप और जलीय पशु पक्षियों के मांस रस का सेवन आदि। अति निद्रा की चिकित्सा, पहला काय विरेचन, दूसरा शिरो विरेचन, तीसरा व्यायाम करना, चौथा रक्त मोक्षण आदि। निद्रा के भेद, पहला तमोभवा, दूसरा श्लेष्म समुद्भवा, तीसरा मन शरीर श्रम संभवा, चौथा आगंतुकी, पांचवा व्याध्यनुवर्तनी, छठा रात्रि स्वभाव प्रभा।